The problem is let fx is equal to k cos x upon pi minus 2x when x is not equal to pi by 2, and the statement is equal to 3. The function is equal to 3 when x is equal to pi by 2. Now this condition is provided, और condition को अगर आप देखें तो condition ये है कि जो function fx है उसका tending to pi by 2 पे जो limit है वो f of pi by 2 के equal है, और आपको question पूछा गया है कि find the value of k, हमें k की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको कंडीशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कंडीशन का मीनिंग क्या है। सो इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड दैट लिमिट लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू पाई बाई टू, एक्स इज अप्रोचिंग टू पाई बाई टू एफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू के। तो लेफ्ट में आप चेक कर सकते हैं कि उसने ये बोला है कि इस फंक्शन की पाई बाई टू पे जो लिमिट है वो एफ ऑफ पाई बाई टू के बराबर है, वो एफ ऑफ पाई बाई टू के इक्वल है, और आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब फंक्शन की जो लिमिट है, जो एफ एक्स फंक्शन है उसकी टेंडिंग टू पाई बाई टू पे जो लिमिट है ऑब्वियस है वो एग्जिस्ट करती होगी, तभी उसने बोला है कि ये स्टेटमेंट एफ पाई बाई टू के इक्वल है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो सिंगल क्वांटिटी के इक्वल कैसे हो सकती है? तो इससे हमें फायदा ये होता है कि हमें दोनों साइडेड लिमिट नहीं निकालनी पड़ेगी। आइदर आप चाहे तो राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, दोनों साइडेड लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैं फंक्शन की राइट हैंड लिमिट पहले पता करूंगा कि राइट हैंड लिमिट क्या है, क्योंकि दिस इज सेम इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो अलग अलग हमें काम करने की जरूरत नहीं है, और इसको उठा के मैं इक्वल करने जा रहा हूँ एफ ऑफ पाई बाई टू के। तो आई होप सो कि वहां से हमें ये स्टेटमेंट पता लग जाएगा कि वट इज द वैल्यू ऑफ के। सो नाउ लिसन अबाउट द राइट हैंड लिमिट। मैं सबसे पहले राइट हैंड लिमिट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो नाउ चेक इट, इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू की राइट हैंड लिमिट मैं लेने जा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे पाई बाई टू प्लस लगा देता हूँ, और फंक्शन हमारे पास है के कॉस एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू ऑफ एक्स के। अब देखिए क्योंकि पाई बाई टू की आप राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो आपको एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा पाई बाई टू प्लस एस से, क्योंकि पाई बाई टू की राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालने जा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे जो नया वेरिएबल है वो एच है, वेयर एच इज टेंडिंग टू जीरो। सो नाउ द क्वेश्चन विल बिकम लिमिट एच इज अप्रोचिंग टू जीरो के कॉस दिस इज पाई बाई टू प्लस एच डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू पाई बाई टू प्लस एच के। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक जो भी मैंने किया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो नाउ दिस विल बिकम लिमिट एच इज अप्रोचिंग टू जीरो के कॉस 90 प्लस थीटा की अगर अपन बात करें, तो कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एच की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एच के। तो ये जो टर्म है के कॉस पाई बाई टू प्लस एच, इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं माइनस के साइन एच से, और डोमेटर को भी आप देख सकते हैं ये बनेगा पाई माइनस पाई पाई माइनस पाई माइनस टू टाइम्स ऑफ एच के। तो यहाँ पे ये पाई से पाई आपका कैंसिल हो रहा है, और अगली लाइन में अगर कुछ मैनिपुलेशन और करनी है तो हम लोग लिख सकते हैं के साइन एच डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ एच के। नाउ वन मोर प्रॉपर्टी वी हैव, लिमिट लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा, ये रेशियो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि एच आपको टेंडिंग टू जीरो दे रखा है, तो ये टर्म बन जाएगा के बाई टू साइन एच बाई एच, दिस इज अ रेशियो, एंड लिमिट एच इज अप्रोचिंग टू जीरो। और जैसे मैं ये लिमिट सेट करता हूँ द रिजल्ट विल बिकम के बाई टू। और इन द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ एफ पाई बाई टू की बात करें तो एफ पाई बाई टू क्वेश्चन में आपको 3 प्रोवाइडेड है। मैं आपको एक बार यहाँ पे विजुअल करा देता हूँ कि अगर आप एफ ऑफ पाई बाई टू की बात करते हैं, इफ यू आर वर्किंग फॉर एफ पाई बाई टू, तो आप देख सकते हैं कि एफ पाई बाई टू की वैल्यू क्वेश्चन में 3 आपको दे रखी है। तो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, फंक्शन का जो राइट हैंड लिमिट है वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल मैं करने जा रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो दिस विल बिकम के बाई टू एंड दिस इज इक्वल टू 3, और यू कैन फाइनलाइज द स्टेटमेंट दैट के इज इक्वल टू 6, एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। ही वॉज आस्किंग द वैल्यू ऑफ के एंड आवर आंसर इज के इज इक्वल टू 6।